कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल, अब तो मेरे हालात बदल दे मौला। 2030 की बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ खट्टी कुछ मीठी, कुछ तलख और कुछ यादगार लम्हात के साथ 2022 अलविदा अलविदा। आज 2023 यकुम जनवरी को हम अपनी जिंदगी का शानदार और कामयाब तरीन साल बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। आज की इस टॉपिक पे, आज की इस वीडियो को जरूर आखिर तक सुने। इसमें खास चीज जो आपके 2023 को वंडरफुल बना सकती है, आपकी जिंदगी के वो काम, वो प्रोजेक्ट जो आज तक पूरे नहीं हुए, वो आइडियाज जिन पर काम नहीं कर सके, वो तरीके, वो तालीम, वो मंसूबे जो मुकम्मल नहीं हुए आज तक। इस वीडियो के जरिए आपको ऐसे टिप्स, ऐसे मेथड, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी आइडियोलॉजी मिलेगी जिससे आप 2030 के जरिए इसी साल आप शानदार कामयाब हासिल कर सकेंगे और शानदार मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगे और बाम अरूज तक पहुंचेंगे। मैं अपनी जिंदगी के 50 साल, जी, मैं अपनी जिंदगी के 50 साल में दुनिया की हर चीज को बदलना चाहता था। हर दुनिया की हर चीज को बदलने की कोशिश की सवाय आपने आपके। मैंने दुनिया की हर चीज को बदलने की कोशिश की और बदलना चाहता था सवाय अपने आपके। अपने आप को नहीं बदलना चाहता था। मुझे ट्रैफिक से मसला था, मुझे घर के मुआशी हालात से मसला था, मुझे मुल्क के मुआशी हालात से मसला था, मुझे अपने दोस्तों से शिकायत थी, दोस्तों से मसला था कि वो मेरी मदद नहीं करते, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं देते। मुझे निज़ाम तालीम से मसला था कि वो सही तरीके से, सही मुनासिब जरूरत के मुताबिक नहीं पढ़ाते, निसाब सही नहीं है। मुझे मोहल्ले के लोगों से, मुआशरे के लोगों से मसला था, अपनी बस्ती के लोगों से मसला था, अपनी उम्र के लड़कों से मसला था, अपने इकट्ठे काम करने वाले स्टाफ वाले लोगों से शिकायत थी, मसला था। मुझे अपनी बीवी से मसला था, मुझे अपने वालदैन से मसला था, मुझे अपने दोस्तों से मसला था, अपने बच्चों से मसला था, मुझे अपने बच्चों के उस्तादों से मसला था कि सही नहीं पढ़ाते, मुझे अपने अपने बच्चों के स्कूल से मसला था, मुझे अपने स्कूल से मसला था, मुझे बैंक से मसला था कि लोन नहीं देता, मुझे अपने स्टाफ अपने हेड से मसला था कि छुट्टी नहीं देता, मुझे अपने दोस्तों से मसला था कि मेरे हिस्से का काम नहीं करते, मेरे साथ ताउन नहीं करते, मुझे दुकानदार से हमेशा मसला था कि चीज़ें सस्ती नहीं देता, मुझे सब्जी वाले से मसला था, मुझे फ्रूट वाले से मसला था, मुझे डॉक्टर से मसला था कि बहुत महंगी दवाई देता है, बहुत पैसे लेता है। इसी तरह मुझे हर चीज़ से मसला था, हत्ता कि मुझे अल्लाह ताला से भी मसला था कि मुझे जो है दौलत का ढेर क्यों नहीं दिया, मुझे अल्लाह ताला से ये भी मसला था कि मुझे इतनी कम नेमतें क्यों दी हैं, मुझे अल्लाह ताला से ये भी मसला था कि मुझे बहुत गोरा चिट्टा क्यों नहीं बनाया, ये भी मसला था कि मुझे दुनिया की अमीर तरीन बीवी क्यों नहीं दी, मुझे ये भी मसला था कि मुझे दुनिया की हसीन तरीन औरत जो है ना वो क्यों नहीं दी। लेकिन दोस्तों, मैं ये तमाम मसाइल लेकर घूमता रहा, फिरता रहा, फिर मुझे बाद में काफ़ी धक्के खाने के बाद, 50 साल के बाद ये एहसास हुआ, ये महसूस हुआ, मुझे ये हकीकत खुली कि दुनिया को तो मैं तब्दील नहीं कर सका, मैं घर को तब्दील नहीं कर सका, मैं अपने स्टाफ को तब्दील नहीं कर सका, मैं अपने स्टूडेंट को तब्दील नहीं कर सका, मैं गली मोहल्ले को तब्दील नहीं कर सका, मैं मुल्क के मुआशी हालात को तो नहीं बदल सका। क्या मुझे अपने आप को बदलना चाहिए? जब मैंने अपने अंदर झांका, अपने अंदर देखा, तो मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया, तो मेरे लिए तमाम रास्ते आसान होते गए, मुझे फिर किसी से कोई मसला ना रहा। तो आप भी
2030 के लिए जो आने वाला साल है, इस साल हम सब मिलकर, खुद मेरे साथ मिलकर आप पांच वादे करें, पांच वादे हैं, पांच वादे करें, मैं भी करता हूं, आप भी करें, इंशाअल्लाह ताला 2030 एक शानदार साल होने वाला है। 2030 एक ऐसा साल होने वाला है जिसमें हम तमाम लोग कामयाबियों पर पहुंचेंगे, कामयाबियां हासिल करेंगे, हमारे अंदर, हमारे घर, हमारे पास खुशियों का ढेर होगा, सुकून होगा, अमन होगा, और कामयाबियां और मुसरतें और खुशियां हमारे पास मौजूद होंगी। तो उसके लिए सबसे पहली बात जो है, यकम जनवरी 2030 आज जो है पहला वादा जो है वो है बी लेस स्ट्रेस्ड, यानी स्ट्रेस से फ्री होना है, स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी। आपके लिए ये बात तो वाकई हैरानी की होगी कि टेंशन नहीं लेंगे तो क्या होगा। दोस्तों एक बात खास बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के सर्वे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात जो जिस वजह से हो रही हैं वो स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं। तकरीबन 5 लाख अफराद हर साल सिर्फ डिप्रेशन, स्ट्रेस की वजह से खुदकुशी करते हैं। खुदकुशी जो है ना इस वक्त मौत का सबब बनने वाले असबाब में से चौथे नंबर पे आता है, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, परेशानियों की वजह से जो खुदकुशी करता है वो आर्जी मसले से, आर्जी मसले का मुस्तकिल, आर्जी मसला जो होता है उसका मुस्तकिल हल खुदकुशी में ढूंढता है। वो मसला ख़त्म नहीं होता, उस खुदकुशी करने के बाद मसला किसी और के जिम्मे होता है, वो मसला बाकी रह जाता है, वो घर वालों के सर पे होता है, वो मुआशरे के सर पे होता है, वो मुल्क के सर पे होता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। में अमन, खुशी और खुशहाली और कामयाबी का जीना बनाने के लिए हमें स्ट्रेस, टेंशन से पाक होना होगा। तमाम दुनिया की टेंशनें आप ना लें, और लोग भी हैं, सब कुछ तबाह बर्बाद जब हो जाता है, तब जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसके बावजूद भी आपका रोशन मुस्तकबिल एक रोशन किरण की सूरत में, एक दूर चमकते हुए सितारे की सूरत में मौजूद होता है। आज 2023 को मैं तमाम वालदैन के, तमाम स्टूडेंट के वालदैन से, तमाम तालिबे इल्मों के वालदैन से एक ख़ास पैगाम के ज़रिए एक ख़ास बात कहना चाहता हूँ। आज 2030 यकम जनवरी 2030 को तमाम बच्चों के वालदैन को एक ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ, ख़ास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को नंबर ना लाने की सूरत में, नंबर कम लाने की सूरत में पोजीशन के लिए ज़रूरत से ज़्यादा तंग न करें, परेशान न करें, डिस्टर्ब न करें, क्योंकि आपके बच्चों का नंबर शीट, आपके बच्चों की मार्कशीट, आपके बच्चों का रिजल्ट कार्ड, आपके बच्चों की पोजीशन, आपके बच्चों की मुस्तकबिल की गारंटी नहीं है। आपके बच्चे के जो बहुत बड़े नंबर आए, बहुत बड़े रिजल्ट आए, वो आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की गारंटी नहीं है। ये बात हमेशा याद में रखें। मालिक ने जिसने टेंशनें पैदा की हैं उसने उसका हल भी पैदा किया है। देखें, जब भी कोई ताला बनता है तो उसकी चाबी साथ होती है। जो ही ताला बनता है, जिस स्टाइल का भी बनता है, उसका सलूशन साथ होता है, उसकी चाबी साथ होती है। जब मालिक ने मसाइल और टेंशनें और उलझने पैदा की हैं, इनके मसाइल भी इधर मौजूद हैं, वो ढूंढने की कोशिश करें। टेंशन पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके सॉल्व करने की कोशिश करें, उनके मसाइल को देखें कि इसको किस तरीके से हल किया जा सकता है। मसले को मसला ना बनाएं, बल्कि ये देखें ये ताला है, इसका आखिर चाबी तो है ना। मालिक ने ऐसा मसला, ऐसी मुसीबत, ऐसी तकलीफ ही पैदा नहीं की जिसका हल ना हो। जो दूसरी नंबर की बात है वो ये है
कि हमेशा पॉजिटिव बात फैलाएंगे, हमेशा मुस्बत बात फैलाएंगे। दूसरा वादा जो आपसे लेना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ मुस्बत गुफ्तगू करेंगे। उसकी दिलचस्प बात यह है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सुनाओ जी आपकी तबीयत कैसी है, तो आप अपनी तबीयत की बेहतरी की बात करने के लिए कम से कम 10 मिनट लगाएं। कोई आपसे पूछता है सुनाओ जी आपका सिलसिला रोजगार माली हालात कैसे जा रहे हैं, गुसर बसर कैसा हो रहा है, तो अल्लाह का शुक्र करते हुए कम से कम 10 मिनट लगाएं बात करते हुए। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ हुई है, कोई अस्पताल में है, या अगर कोई पेट में दर्द है, अगर कोई या कोई माली तौर पर मुआशी तौर पर कोई नुकसान हुआ है, कोई भी पूछता है, तो सिर्फ 2 अल्फाज में बात करें। सिर्फ 2 अल्फाज में आपने मुस्बत बात करने के लिए अपनी अच्छी सेहत की वजाहत के लिए 15 मिनट लगाएं, आधा घंटा लगाएं। लेकिन अगर आपके अंदर कोई नुक्स है, कोई तकलीफ है, कोई माली नुकसान हुआ है, तो उसकी वजाहत के लिए सिर्फ 2 अल्फाज बोल दें, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आधे मिनट में अपनी बात को क्लोज कर दें मुस्बत बात। और आज से एक मेरे साथ ये तहिया करें कि जब भी बैठेंगे, जहां भी बैठेंगे, मुस्बत बात की अच्छी बात को डिस्कस करेंगे, लोगों में अच्छाइयां तलाश करेंगे। आपके हमारे दरमियान जो सबसे अजीब सी बात है कि हम जब भी बैठते हैं हमें लोगों के सिर्फ वो बुराइयां ही नजर आती हैं, हमें हर आदमी कुरप्ट, हर आदमी बेईमान, हर आदमी चोर, हर आदमी डाकू, हर आदमी फ्रॉडिया नजर आता है। क्या हमें डिस्कस करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए किसी की खूबी नजर नहीं आती, किसी की अच्छाई नजर नहीं आती? क्या हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे मुआशरे में कोई भी एक ईमानदार नहीं रहा जिसको आप डिस्कस कर सकें? ये हकीकत है। आप दुरुस्त कहते हैं कि आप 100 लोगों को, 1000 लोगों को मौत से बचा लें, बरसरे रोजगार कर दें, उनकी इमदाद कर दें, आपको कोई नहीं जानेगा, आपका डंका नहीं होगा, आपके अखबारों में सुर्खियां नहीं आएंगी। अगर खुदा न खास्ता आप किसी को, एक आदमी को कत्ल कर देता है कोई आदमी, तो उसकी सुर्खी अखबार में लगती है, पूरे मुल्क में, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में उसकी मशहूरी होती है, उसको पहचाना जाता है। वजह क्या है कि हम नेगेटिव को ज्यादा फैलाते हैं। तो आज से वादा कीजिए कि हम किसी की खामी, किसी की बुराई, अपनी खामी, अपनी बुराई, अपनी कमजोरी, किसी की कमजोरी को नहीं उछालेंगे। हम सिर्फ लोगों की अच्छाइयों की डिस्कस करेंगे, अच्छे लोगों को डिस्कस करेंगे, अच्छी बातों को डिस्कस करेंगे, मुस्बत बातों को जेर बहस लाएंगे। जो हमारे इलाके का अच्छा डॉक्टर है हम उसको डिस्कस करेंगे, जो अच्छी मेडिसिन है उसको डिस्कस करेंगे, जिसकी आपसे अच्छी चीज़ें मिलती हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। हम किसी के ऐब, किसी के गुनाह, किसी की कमज़ोरी, किसी की बुराई डिस्कस नहीं करेंगे। आज से ये एक अहम वादा जो है मैं आप लोगों से लेना चाहता था, वो ये है कि दुनिया में सिर्फ कुरप्ट, चोर, डाकू, लुटेरे मौजूद नहीं, नेक लोग भी मौजूद हैं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं। दुनिया में सब लोग हैं, उन सब लोगों को अपनी निगाह में रखें। तीसरी जो अहम बात है वो है कि आज से आप वादा करें आपकी जिंदगी, आपकी मुस्तकबिल और आपकी कामयाबी का ताल्लुक आपके दोस्तों से होता है। दना लोग कहते हैं आप अपने करीब के 5 लोगों की एवरेज होते हैं, ऐसे 5 लोग जिनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं आप उनकी एक एवरेज होते हैं। आज अगर आपको किसी ने, किसी दोस्त को आप पहचानना चाहते हैं, किसी आदमी को आप जानना चाहते हैं, तो 5 लोग जो उसके करीब रहते हैं उनकी एवरेज को देख लें, आपको उस आदमी का चेहरा नजर आ जाएगा। आप अपनी कंपनी से पहचाने जाते हैं। तो आज से कामयाब लोगों के साथ वक्त गुजारें, अच्छे लोगों के साथ वक्त गुजारें। आज से ये फैसला करें कि आपके साथ कैसे लोग उठेंगे, कैसे लोग आपका, कैसे लोगों के साथ आपकी कंपनी होगी, और किस किस्म के लोग आप, लोगों को आप अपने दोस्त बनाएंगे। एक लफ्ज होता है संगतरा, संगतरा का मतलब है जिसके साथ लगे वो तरे। एक एक मुहावरा है, एक लकड़ की कील, लकड़ पर कील लगा दे, लकड़ तैरेगी तो वो कील भी साथ तैरना शुरू हो जाएगा, जबकि कील लूहे का था, उसका काम पानी में डूबना था, लकड़ के साथ लगने से वो तैरना शुरू हो गया। इसी तरह आपने देखा कि चावल में अगर गोश्त शामिल कर दिया जाए तो पुलाव बन जाता है, बिरयानी बन जाती है, जिसको हर आदमी दौड़ दौड़ के खाने को होता है। इसी चावल में अगर दाल मिक्स कर दें तो खिचड़ी बन जाती है, हलक से नहीं उतरती, कोई आदमी खाने के लिए तैयार नहीं होता। अपनी
सोसाइटी को, अपनी कंपनी को, अपने दोस्तों को, हल्के अहबाब को अच्छा बनाए, अच्छा रखें। और दूसरी एक अहम बात, आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, इसका ताल्लुक आज है। ये बात करें कि आप इस साल कौन कौन सी किताब पढ़ेंगे, किस किस की वीडियो देखेंगे। देखें दोस्त, आप जैसी किताबें पढ़ते हैं, जैसा नॉलेज अपने दिमाग में भेजते हैं, जैसी मालूमात आप बढ़ाते हैं, वैसे ही इंसान बनते हैं। किताबें पढ़ने का ठीक है, इतना वो रुझान नहीं रहा, लेकिन वीडियो तो देखते हैं आप। आज से आपने तय करना है कि मैं किस किस शख्स की वीडियो देखूंगा। ये ना सोचें कि मैं तो टाइम पास करने के लिए बस ऐसे देख रहा था। जो कुछ आप देखते हैं, ज़रूर उसका असर आपके दिमाग पर होता है, आपकी सोचों पर होता है। आज से ये तय करें कि मैं फजूल वाली वीडियो नहीं देखूंगा, अपने सेलेक्टेड लोगों की वीडियो देखूंगा, पॉजिटिव लोगों की वीडियो देखूंगा, इंफॉर्मेशन बांटने वाले लोगों की वीडियो देखूंगा, टेक्नोलॉजी वाले लोगों की वीडियो देखूंगा, खैर बांटने वाले लोगों की वीडियो देखूंगा और खैर फैलाने वाले लोगों की वीडियो देखूंगा। आपने किस किस्म की वीडियो देखनी है, किस किस्म की किताबें पढ़नी है, इस साल ये तय्यन करें। देखें आपके 5 साल जिंदगी के 22 सकते हैं अगर आप इस बात पे थोड़ा सा तवज्जो करें। और चौथी खास बात कि इस साल एक आज जो चौथी खास टिप्स है कि अपने आप को तलाश करें, अपना खोज लगाएं, अपने आप को देखें। उसके लिए क्या है कि हम एक दिन छुट्टी करें हर हफ्ते में, एक दिन महीने में, कम से कम हफ्ते में नहीं तो एक दिन महीने में छुट्टी करें और अकेले निकल जाएं, सैर पे निकल जाएं, कहीं तफरी के लिए निकल जाएं, पहाड़ों में निकल जाएं, दुनिया में घूमें और सैर के लिए निकल जाएं, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, लेकिन अकेले जाना है। घर वाले किसी दोस्त को नहीं ले जाना, किसी घर वाले को साथ नहीं ले जाना। मेरी एक बात, हेलो, एक बात आज वादा करना है कि मैं हफ्ते में एक दिन, ऐसा नहीं तो महीने में एक दिन जो है, 2 दिन 4 दिन, साल में हफ्ता 15 दिन अकेले निकल जाना है। किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी जानने वाले को साथ नहीं ले जाना। दुनिया में कहीं भी शहर पे, दरिया के किनारे, कहीं पहाड़ी इलाके में, किसी और शहर में सैर के लिए जाए तो उसमें जाकर करना क्या है, को खुद से पूछना है, खुद को ढूंढना है कि मैं क्या हूं। जब भी सैर पे जाएं तो ये देखें, बार बार खुद से ये सवाल करें कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं कैसी जिंदगी चाहता हूं, मैं कैसे दोस्त चाहता हूं, मुझे किस चीज से डर लगता है, मुझे किस चीज से टेंशन होती है, मुझे बार बार किस चीज के ख्याल तंग करते हैं, मैं अपनी जिंदगी कैसी बनाना चाहता हूं, मेरे अंदर क्या टैलेंट छुपा है। और ये भी अपने आप से जरूर सवाल करना कि अगर मेरे पास जिंदगी का ये आखिरी साल है तो मुझे क्या अहम है मेरे लिए, मुझे क्या करना चाहिए। सबसे अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अपने आप से ये सवाल करें कि अगर ये मेरा साल जिंदगी का आखिरी साल है तो मेरे लिए क्या चीज अहम है, क्या करना इंपॉर्टेंट है। 5वां वादा जो आपसे मैं लेना चाह रहा था वो ये है कि अपना गोल्डन टाइम, अपना सुनहरी वक्त अपने वालदैन के साथ गुजारें। आपके जो मसाइल हैं, आपके वालदैन अनपढ़ हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, वो पुराने ज़माने के हैं, उनसे, उनके पास जाएं, उनसे मिलें, उनके लिए कोई चीज़ खाने के लिए जाएं, उनके लिए कोई गिफ्ट ले जाएं, उनसे डिस्कस करें, उनसे अपने मसाइल बयान करें, उनसे उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ सुने। मोस्टली टाइम अपने वालदैन के पास गुजारें, चाहे आपको फ़ोन पे नहीं, बाई फेस, फ़ोन पे नहीं, बाई फेस, चाहे आपको हफ्ते बाद टाइम मिलता है, 15 मिनट मिलता है, आधा घंटा मिलता है, अकेले में वालदैन से मिले, उनसे बात करें, उनके चेहरे को देखें, उनके हाथों को देखें, उनको मरोड़े दें, उनको जो है ना उसके पाँव दबाएँ, उनसे अपने मसाइल जो हैं आपके, आप समझते हैं कि ये बूढ़े हैं इनको क्या पता, अपने मसाइल उनको बताएं, उनसे शेयर करें, वो आपको अच्छा मशवरा देंगे, वो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आपको देंगे। और देखें उनके चेहरे को, देखें उनके हाथों को, देखें उन्होंने आपका रोशन मुस्तकबिल बनाने के लिए, आपको
कड़ियल जवान बनाने के लिए, आपकी परवरिश के लिए उनकी कमर झुक गई, उनके चेहरे पे झुरियां पड़ गईं, उनके हाथ कांपने लग गए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ताकतवर बनाया, आप लोगों को जवान किया, आपको पाला, आपको पोसा और आपको बेहतरीन मुस्तकबिल बनाया, आपको बड़ा अफसर बनाया, आपको बड़ा आदमी बनाया, आपको ताकतवर इंसान बनाया। आज उनके पास जाएं, अपना हफ्ते का, महीने का जब भी आपको टाइम मिले, स्पेशली अपने वालदैन के पास जाकर टाइम गुजारा करें और उनसे अपने मसाइल भी ज़रूर शेयर किया करें। यह ना सोचा करें कि ये बुज़ुर्ग हैं, पुराने ज़माने के हैं, इन्हें क्या पता, ये ना सोचा करें कि ये अनपढ़ हैं, इनको क्या पता, ये ना सोचा करें कि ये तो सादा लोग हैं, इनका तो अब उम्र का तकाजा है। जैसा भी है आप उनसे मशवरा भी लिया करें और उनसे अपने मसाइल डिस्कस भी किया करें, उनको खाने पीने की चीज़ें गिफ्ट भी किया करें और उनसे बातें भी किया करें और उनकी दुआएं भी लिया करें। और ऐसी मांग के दुआएं नहीं लेते, ऐसी खिदमत करते हैं, ऐसे काम करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे पांव दबाते हैं कि वालदैन खुश होकर दुआएं दें। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी इन चंद गुजारिशात पर, इन पाँच मशवरों पर, पाँच जो मैंने वादे के लिए रिक्वेस्ट की है, इन पर आप अमल कर लेंगे तो आप ज़रूर 2030 को शानदार बनाएंगे। 2030 आप पूरी ज़िंदगी आपकी जितनी भी है वो एक तरफ, लेकिन ये एक साल आपका ज़बरदस्त बनने वाला है। इन पांच जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। थैंक्स।